वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्परेंट पाइजूस के गवर्नमेंट हार्दिक स्वागत है Friends, आज के इस में हम चर्चा करेंगे दिस इन हिस्ट्री की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है

कांस्टेंट प्रैक्टिस से इनके रूटीन अभ्यास से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बहुत लाभ मिलेगा तो आइए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं 10th में अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1857 से व्हेन द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के विद्रोह की शुरुआत आज ही के दिन हुई थी इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बुलाया जाता है 1857 यह ईस्ट इंडिया के शासन के खिलाफ पहला बड़ा और बड़े पैमाने पर हुआ भारतीय विद्रोह था एंड इट was impactful बिकॉज इट changed द नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर द इंडियन subcontinent. तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अबाउट द ऑफ द ऑफ 1857। लगभग टू थर्ड ऑफ इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत था और प्रिंसली स्टेट्स हालांकि नाम के लिए स्वतंत्र थे परंतु किसी न किसी रूप में अंग्रेजी हुकूमत के आगे अपनी संप्रभुता खो चुके थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा शुरू किए गए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत इफ एनी इंडियन रूलर हैड डाइड विदाउट लीविंग अ मेल सक्सेसर या फिर एयर तो उसके किंगडम को ऑटोमेटिकली ब्रिटिश एम्पायर के अंतर्गत फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक सतारा संभलपुर उदयपुर नागपुर एंड झांसी फॉर सम ऑफ द स्टेट्स व्हिच वर अननेक्स्ड बाय द कंपनी अंडर दिस डॉक्ट्रिन इसके कारण भारत में लोगों के अंदर बेहद नाराजगी और प्रतिशोध भर गया था अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल वो कंसर्न कारण ब्रिटिश द्वारा कई लोकल प्रैक्टिस सच एज सती वर अबोलिश्ड अपार्ट फ्रॉम दैट वाइड स्प्रेड इंकरेजमेंट ऑफ इंग्लिश एंड मॉडर्न एजुकेशन परंतु अगर बात करें इमीडिएट कॉज की तो यह हुआ विद इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एनफील्ड राइफल इन टू द मिलिट्री अधिकांश सेना भारतीय सैनिकों या सिपाही और ब्रिटिश अधिकारियों से बनी थी वेतन और प्रमोशन के मामलों में अंग्रेजी और भारतीय सैनिकों के बीच एक बहुत ज्यादा भारी पैमाने पे भेदभाव किया जाता था ऐसा माना जाने लगा कि द न्यू एनफील्ड राइफल्स इंट्रोड्यूस्ड फॉर बींग यूज बाई द इंडियन सोल्जर्स कंटेन्ट कार्टेजेज दर मिक्सड विद फैट ऑफ पिग्स एंड काउज इनके इस्तेमाल से पहले दे है इसके कारण दोनों ही हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय से सिपाहियों को उनके रिलीजियस बिलीफ के प्रति बेहद ठेस पहुंची दिस ऑल्सो मेजरली एंगर्ड द इंडियन सोल्जर्स विद्रोह की शुरुआत हुई जब ऑन मार्च ट्वेंटी मंगल पांडे ऑफ नेटिव देंगोल रिबेलियन अगेंस्ट कमांडर्स एंड फायर द फर्स्ट शॉट एट अ ब्रिटिश ऑफिसर मेरठ में कई सिपाहियों ने ब्रिटिश के द्वारा किए गए एक्सप्लोइटेशन के खिलाफ रिवोल्ट किया जब उन्हें राइफल्स इस्तेमाल करने के लिए कहा गया तो एक्सेप्ट फाइव, ऑल द सोल्जर्स रिफ्यूज़ टू डू दैट इसके परिणाम स्वरूप 85 सोल्जर्स वो कोर्ट मार्शल्ड एंड सेंटेंस टू 10 ईयर इंप्रिजनमेंट ऑन 9th मई परंतु अगले ही दिन सभी सोल्जर्स ने ओपनली रिवोल्ट किया म्यूटिनी की शुरुआत की एंड दे सेट फ्री ऑल द सोल्जर्स हु वर इंप्रिज़न्ड बाय द ब्रिटिश मुठभेड़ में कई यूरोपियन ऑफिसर्स की हत्या भी करी गई एंड द रिवोल्ट स्प्रेड आउटसाइड मेरठ वेल द म्यूटनिंग सोल्जर्स दिल्ली डेली वाज द सीट ऑफ मुगल एम्पर ऑन इलेवेंथ मई एंड दे कैप्चर्ड द सिटी उन्होंने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को एम्प्रर ऑफ हिंदुस्तान डिक्लेयर किया विद्रोह उत्तर भारत में कानपुर लखनऊ झांसी ग्वालियर और बिहार सहित कई स्थानों तक फैल गया कई भारतीय प्रिंसेस और शासकों ने भी विद्रोह में भाग लिया जैसे कि झांसी की रानी तांतिया टोपे नाना साहेब और कुंवर सिंह ऑर्डनरी पीपल पेसेंट्स, लैंडलॉर्ड हिंदू ऑफ वेरियस कास्ट मुस्लिम्स ट्रेडर्स इनफैक्ट सो मेनी कम्युनिटीज ज्वाइंट दिस रिपेलियन ब्रिटिश के द्वारा रूथलेसली इस रिवोल्ट को क्रश जरूर किया गया परंतु उन्हें 18 महीने लगे टू कंप्लीटली सप्रेस द रिवोल्ट चाहे पूर्ण रूप से द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट सक्सेसफुल परंतु इट शो अ लॉट ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट एफिलिएशंस रिवोल्ट के असफल होने के प्रत्येक कारण थे जैसे कि भारतीय सिपाहियों और रूलर्स के पास कोई सिस्टमैटिक प्लान और कोऑर्डिनेशन ना होना एंटायर कंट्री नॉट बीइंग एबल टू पार्टिसिपेट एंड गेट इफेक्टेड बाय द रिवोल्ट जैसे कि प्रमुख तीन प्रेसिडेंसीज़ ऑफ बंगाल बॉम्बे एंड मद्रास रिमेन्ड मोस्टली अनफेक्टेड बाय द रिबेलियन सिख सोल्जर्स ऑल्सो डिड नॉट टेक पार्ट इन दिस रिवोल्ट रिवोल्ट को सप्रेस करने के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल वाज एंडेड एंड द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर पास्ड ऑन टू द ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 और अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है तो ये संबंधित है 1905 अर्थात 1905 से पॉपुलर बंगाली इंडियन म्यूजिक कंपोजर पंकज मलिक वाज़ बोर्न, अर्थात लोकप्रिय भारतीय संगीतकार पंकज मलिक का जन्म आजी के दिन हुआ था कंपोजर प्ले बैक सिंगर एंड एक्टर sangeet उनका संबंध वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता से था ही स्टार्टेड हिज करियर विद द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इन कैलकटा इन 1927, व्हिच वाज़ द फोर रनर ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो अर्थात ए इस समय इन्होंने काम किया अलोंग विद फेमस कंपोजर आर सी बोराल वेर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर एंड आर्टिस्ट फॉर नियरली फिफ्टी ईयरस आरसी बोराल का नाम तो हम सभी जानते हैं दैट ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ फिल्म म्यूजिक इन इंडिया पंकज मलिक कंट्रीब्यूटेड इन वेरियस कैपेसिटीज टू द बंगाली हिंदी उर्दू एंड तमिल लैंग्वेज फिल्म्स फॉर नियरली 38 ईयर्स बिगिनिंग इन 1931 इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था प्लेबैक सिंगिंग इन द इंडियन सिनेमा एज़ वेल वर्ष 1970 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनके इस विशेष कंट्रीब्यूशन के लिए जिसके बाद उन्हें प्रेस्टीजियस दादा साहिब फालके पुरस्कार भी दिया गया था इन 1972 और अब आइए चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का जो संबंधित है 1936 अर्थात 1936 से जब इंडियन नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल लीडर मुख्तार अहमद अंसारी अर्थात भारतीय राष्ट्रवादी और राजनीतिक नेता मुख्तार अहमद अंसारी का निधन हो गया था मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर 1880 को उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था इन्हें लोकप्रिय रूप से एम ए अंसारी बुलाया जाता था उन्होंने चिकित्सा में और विशेष रूप से सर्जरी में अपनी डिग्री प्राप्त करी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग इन यूनाइटेड किंगडम वह सर्जरी में एक भारतीय अग्रणी थे और आज उनके काम के सम्मान में लंदन के चेरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में एक सेपरेट वार्ड भी है अपने सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हुए उन्होंने एक फेमस किताब की रचना करी थी जिसका नाम था रीजनरेशन इन मैन उन्होंने इसमें तरह-तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स जैसे ग्राफ्टिंग के बारे में एक विस्तृत एक्सप्लेनेशन दिया था वह महात्मा गांधी के घनिष्ठ मित्र थे और बाद में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे in 1898 he attended his first all-india congress session that was presided over by anand mohan bose m-a-ansari had got involved in indian independence movement right during his stay in england tapsihi was Sangram ki gati vidyayase various positions may associate hone he moved back to delhi and joined both

in fact he had led the indian medical mission to treat the injured turkish soldiers during the balkan wars in jata jatahe as one of the founder members of Jamia millia islamia and he had also served as the chancellor of this institution at delhi soon after the death of its primary founder hakim ajmal khan in 1927 तो अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है ये संबंधित है 1986 से व्हेन फेमस इंडियन चेस प्लेयर पेंटाला हरिकृष्ण वाज़ बोर्न अर्थात प्रसिद्ध भारतीय शतरंज खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्ण का जन्म आज ही के दिन हुआ था पेंटाला हरिकृष्ण इज अ चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम गुंटूर आंध्र प्रदेश ही वॉज कॉमनवेल्थ चैंपियन इन टू World Junior Champion in 2004 and Asian Individual Champion in 2011. In fact, he was the first to have won the Under-10 Chess Championship in Menorca, Spain, in the year 1996. He became the youngest Grandmaster from India on September 12, 2001. A record that was later by Parimarjan Negi. उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था इन द सेवन चेस ओलंपियाड्स फ्रॉम 2000 टू 2012 एंड ही वन टीम ब्रॉन्ज एट द वर्ल्ड टीम चेस चैंपियनशिप इन 2010 ही आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द एफआईडीई ऑनलाइन चेस ओलंपियाड इन 2020 वेयर ही वन द गोल्ड मेडल अलोंग विद रशिया और यहां प्रश्न उठता है कि आखिर एफ क्या है इसका तात्पर्य क्या है तो एफ आई डीई इज द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसे कि वर्ल्ड चेस फेडरेशन भी बुलाया जाता है और अगर बात करें कि कौन है इसके वर्तमान प्रेसिडेंट तो ये है एरकाडी तो अब आइए चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हुट इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप पॉलिसी ऑप्शन में आपके सामने कुछ नाम है जैसे कि ए लॉर्ड विलियम बेंटिक

ऑप्शंस है ए मोतीलाल नेहरू बी एम ए अंसारी सी जवाहरलाल नेहरू या डी एनी बेसेंट द फिफ्थ क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रीजेनरेशन इन मैन अर्थात रीजेनरेशन इन मैन नामक पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है ऑप्शंस में जो नाम है वो कुछ इस प्रकार है कि ए हकीम अजमल खान बी एम ए अंसारी सी अबुल कलाम आजाद या डी सैयद अहमद खान and the last and the sixth question of today's lecture is who is the current president of world chess federation? Hai? Sangh ke adhyaksh. options hai a, igor shuvalov, b, kirsan Ilyumiznov c, arkady dvorkovich, and d, alexey orlov. with this, अब हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेक्शन विद मच टू ऑल ऑफ यू